काफी अहमियत है। कहते हैं राम और सीता पहली बार इसी जगह पर मिले थे। और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये काठमांडू में स्थित मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। इसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। छोटी चीजें सिर्फ हुई हैं और आपको सीधे मैं लाइव तस्वीरें पशुपतिनाथ मंदिर की दिखा रहा हूं। काठमांडू से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है और पशुपतिनाथ मंदिर की आप इस वक्त लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मैं जो यहां पर देख रहा हूं, क्योंकि यहां से 20 किलोमीटर दूर की जो भयावह तस्वीरें थी, वहां से यहां पर बिल्कुल उलट तस्वीरें हैं। यहां पर नजारा कुछ और है। यहां पर उतनी ही तादाद में तीर्थ करने वाले लोग हैं, वो आए हुए हैं, वो बाबा के दर्शन कर रहे हैं और बाबा के दर्शन करके वो आशीर्वाद पाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना जरूर है कि ये जो पूरी तबाही हुई है, उसका छोटा मोटा असर पशुपतिनाथ के आसपास इलाकों में देखने को मिल रहा है, मंदिर परिसर में देखने को मिल रहा है, लेकिन बाबा की मूर्ति और बाबा के मंदिर को कहीं से भी कोई चोट नहीं पहुंची है, ना ही कोई नुकसान हुआ है, ना ही कोई डैमेज हुआ है, ना ही मंदिर परिसर में कोई बड़ा नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही थी। लगातार कल से एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पशुपतिनाथ में भी झटके महसूस किए गए हैं। इक्का दुक्का घरों को छोड़ दे तो बाबा की नगरी में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ना ही मंदिर परिसर में कोई बड़ा नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही थी। लगातार कल से एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पशुपतिनाथ में भी झटके महसूस किए गए हैं। इक्का दुक्का घरों को छोड़ दे तो बाबा की नगरी में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लोग अचंभित है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 20 किलोमीटर के रेंज में इतना बड़ा हादसा होता है, इतनी भयावह तस्वीरें और इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है, लेकिन बाबा के नगरी में आखिर यह सब क्यों नहीं होता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और यही चीज पैदा करती है, आखिर कहीं ना कहीं भगवान है और बाबा की कृपा पशुपतिनाथ में है और कहीं ना कहीं कुछ चीजें गड़बड़ होती काठमांडू में, जिसका खामियाजा काठमांडू को भुगतना पड़ा है, लेकिन पशुपतिनाथ में सब कुछ ठीक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, वो जानने के लिए यहां इस मंदिर के महंत है हमारे साथ। ये बताइए, पशुपतिनाथ में नुकसान हुआ है क्या? भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में विशेष रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ है। मंदिर के बाहर परिसर में छोटे मोटे मंदिर, पुराने मकान इत्यादि गिरे पड़े हैं, जिससे सामान्य रूप में क्षति हुआ है। कई नगर में काष्ठमंडप, जो ये शहर है, यहाँ पर जो है ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक स्थानों में जो है बड़े बड़े ऊंचे मकान, धराहरा, स्क्वायर दरबार गिरने से सैकड़ों लोगों का जान गया है। यद्यपि ये भगवान मंदिर पशुपतिनाथ के मंदिर के पास वजह है, ये बताइए कि बाबा की नगरी तो पूरी काठमांडू से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर तक है, तो पशुपतिनाथ में कोई बड़ा डैमेज नहीं, यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर आप आगे जाते हैं तो हजारों लोगों की मौत होती है, बड़ी बड़ी 300-300 साल पुरानी इमारतें गिर जाती हैं, सब कुछ धराशायी हो जाता है, त्राहिमाम त्राहिमाम वहां पर लोग कह रहे हैं। क्या ऐसा वहां अपशगुन हो गया और बाबा का आशीर्वाद क्या ऐसा पशुपतिनाथ पर है? ऐसा है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरियम। सत्ता जो है भगवान का होता है। जैसे कि गुजरात में जो कच्छ भुज में जो बड़ा भूकंप गया था, उस समय भी जो है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जैसे के तैसे था, तो उसी प्रकार से जो है ये भी भगवान पशुपतिनाथ का नगरी, ये देवपत्तन है, यहाँ भी जो है भगवान कण कण में विद्यमान है। इसलिए ये भगवान के खास क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, बाहरी क्षेत्र में जो है कुछ समस्या और कुछ जो है हताहत होने की आशंका जताई गई। अच्छा, अब जो सब कुछ हुआ है, जैसे हम लोगों ने इससे पहले केदारनाथ मंदिर में देखने को मिला था कि पूरा केदारनाथ तहस नहस हो गया था, हजारों लोगों की जान गई, सब कुछ निश्चय नाबूद हो गया, लेकिन वहां भी बाबा तटस्थ थे बिल्कुल, वहां भी मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, और कुछ ऐसा ही सीन हमें देखने को मिल रहा है। ये बार बार संकेत देने की क्या कोशिश की जा रही है महादेव की तरफ से? तो ये भगवान पशुपतिनाथ तो जो है शिवजी है, 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान पशुपतिनाथ का विशेष अग्रणी स्थान है। भगवान कहा जाता है, भगवान शंकर की जो है तीसरा नेत्र जो है खुलने पर जो है दूर दूर तक भी जो है कुछ अनिष्ट होने की संभावना होती है, और जो है भगवान बाबाजी जो है नजदीक की नहीं देखते हैं, दूर दूर की देखते हैं, ऐसा है। नजदीक में नजदीक से नजदीक की अपेक्षा दूर दूर तक देखते हैं। यद्यपि कर्कट राशि में चंद्रमा और कर्कट राशि का जो लग्न राशि है, ज्योतिषीय जो गणित हिसाब से
कर्कट राशि में चंद्रमा होने के कारण और कर्कट राशि में ही लग्न में ही अब अवस्थित ग्रहों की रूपरेखा से जो है इस महाभूकंप के पश्चात जो है दूरवर्ती देशों में भी जो है दुर्भिक्ष होने का संकट पैदा होने का ऐसा मान्यता ज्योतिष शास्त्र में बतलाई गई है। अब ऐसा क्या, आखिर पशुपतिनाथ में आप बहुत दिन से रह रहे हैं, केदारनाथ भी आप कभी गए होंगे और काठमांडू तो आना जाना लगा ही रहता होगा, क्या हुआ है, क्या ऐसा सामान्य है केदारनाथ से लेकर और काठमांडू में सामान्य क्या है और क्यों वो मंदिर नहीं टूटा, क्यों पशुपतिनाथ मंदिर नहीं टूटा और बाकी दोनों जगह त्रासदी आ गई? इसलिए नहीं टूटा कि जो है जो केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग जो है ये धड़ के भाग, धड़ से जो है नीचे का भाग केदारनाथ, धड़ से ऊपर का सिर पर्यंत का, शीर्ष पर्यंत का भाग पशुपतिनाथ, ये दोनों मिलकर के ये पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग, पशुपतिनाथ भगवान और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की यूनिटी होने से एक ज्योतिर्लिंग बनता है। इसलिए जिस प्रकार से जो है केदारनाथ में इतनी बड़ी तबाही हुई, भगवान के खास क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, उसी प्रकार से भगवान पशुपतिनाथ के आसपास में जो है छोटी मोटी घटनाएं हुई, विशेष करके चार दरवाजा के अंदर में खास कुछ नहीं हुआ। यद्यपि 1990 साल में जो है जब महाभूकंप गया था तो उस समय पशुपतिनाथ का मंदिर का जो गुंबज है थोड़ा टेढ़ा हो गया था, अभी जो है भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर का गुंबज टेढ़ा नहीं हुआ है, बाहरी क्षेत्र का जो पुराने पुराने मंदिर पुरातात्विक जो संरचना है वो बिगड़ी गई है, कोई गिरी पड़ी है और कुछ लोग हताहत होने की भी आशंका जताई गई है, लेकिन लोगों में भरोसा टूटा है कि कुदरत ने उनके साथ ऐसा खेल क्यों खेला है। तीन तीन साल के बच्चे, तीन तीन महीने के बच्चे मारे गए हैं, हजारों की तादाद में लोग मार दिए गए हैं, क्या इसके पीछे कोई अच्छाई है ये समझा जाए? ये तो कुदरत का खेल है, इसमें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन कुछ नहीं बोलते हैं, भगवान के दृष्टि में तो सब बराबर होते हैं, वो तो जैसे कि मानवीय धर्म के अनुसार और भगवान के लिए तो जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ओमकार परिवार ऐसे करके पक्षपात भगवान करते नहीं है। ये है कि 1990 साल के बाद में यहाँ के जो पाश्चात्य देशों के जैसे नासा है, इधर के वैज्ञानिकों ने, ज्योतिषविदों ने, खगोल शास्त्रियों ने काठमांडू में कोई बड़ा भूकंप जाएगा तो जो है बहुत ज्यादा हताहत होने की आशंका बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। क्या शास्त्र वेदों में इस तरह की चीजों का कभी जिक्र है कि कभी ऐसा हुआ है, इस तरह की त्रासदी, इस तरह का तांडव जिस तरह से खेला? और वैसे भी भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में कहा जाता है, वो नेत्र खुलने की आहट भर से पूरे पृथ्वी पर प्रलय आ सकता है, तो इस बार क्या नेत्र खुलने की आहट है? एक समझाने की कोशिश है कि आप लोग समझ जाइए, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है प्रभु खासकर पशुपतिनाथ भगवान का। कहा जाता है कि हिस्र स्वपापेन विहिंसित खल साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। जब संसार में जो है अधर्म बढ़ जाता है, धर्म घट जाता है, तब अनिष्ट होने लगता है और भगवान आकर के जो है साधु जन की पालन करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं, ऐसा ऐसी बात तो जो है शास्त्रों में उल्लेख है। हो सकता है हमारे देश में भी जो है कोई पाप का घड़ा भरने वाला हो और इसके कारण जो है भगवान क्रुद्ध हो करके जो है यहाँ पर अनिष्ट के संकेत के रूप में जो है ये दिखाई देने लग गए, ऐसा लगता है लोगों की। जो काठ का मंदिर था, जो अस्तित्व था उस शहर का, वो मंदिर भी निश्चित नाबूद हो गया। अब जो हनुमान वो इलाका कहा जाता था वो निश्चित नाबूद हो गया, राजभवन का जो इलाका था वो निश्चित नाबूद हो गया, जो राजा के बेटी की याद में वो जो बुनियाद बनाई गई थी, टावर बनाया गया था, वो निश्चित नाबूद हो गया। इसके पीछे भी कोई कारक है, कोई कारण है आप बताना चाहेंगे? ऐसा है, भगवान पशुपतिनाथ का जो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में खास जो है वैदिक सनातन धर्म के अनुसार पूजा पद्धति संचालन होनी चाहिए।